पंत दी महान शख्सियता और मेरे सामने बैठे मेरे भाओ बहनों गज के फतेह बुलाए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं तो पहला बहुत बेचारा हो गई है, मैं सिर्फ इतने एको गल कहना चाहना कि जिस वेले भी पंथ से कोई गल बनेगी कोई सियासी पार्टी नहीं रहेगी, सारे आपस सिख इकट्ठे होवांगे। ये मत भुलेखा रखो कि कोई किसी पार्टी नूं कवे तो कोई दूजी पार्टी नूं कवे, एक गल का ध्यान रखियो जो सानू सिख्या गुरु हरगोबिंद सिंह पातशाह दित्ती है, सियासत हमेशा धर्म उत्ते रहेगा तो सियासत थले रहेगी, तो जिहड़ा अपना सियासी लाभ लैण वास्ते धर्म वेचेगा वह अज भी मर गया तो वह कल भी मर गया। सो मेरी बेनती है कि आप बगैर किसी सियासी पार्टी के उंगल चुक के सारे सिख अपने अपनी जिम्मेवारी समझ के एक फैसला लईए कि ये जिहड़े साडे वीर साडे सामने बैठे है इन्हां ते जिहड़ी दुबधा बनी है और जिहड़ी सोच इन्हां दे विच आई है धर्म छड्डण दी, इहनूं किदां ठल पाया जावे। मैं धन्यवाद करदा पंचोली साहब का जिन्होंने पहल की है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान नूं भी बेनती करांगा कि जिहड़े नौजवान पढ़े लिखे ने जिन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली है उन्होंने श्रोमणी कमेटी और दिल्ली कमेटी के भी जॉब मिले, और जिहड़े इंदौर के धनाड़ सिख ने जिहड़े इंदौर के वड्डियां इंडस्ट्रियां लैके बैठे है, मैं उन्होंने भी बेनती करना चाहुंदा कि तुसीं इन्हां बच्चों को कम दिओ, अपने नाल कम लाओ, कोशिश करो कि असी हर घर चो एक बच्चे को कम दे सकी। कोई वड्डी गिनती नहीं है कि जिन्हों आप कह सके भी आप काम पूरा नहीं कर सकते, इत्थे सरकार के नुमाइंदे भी आए हैं, मैं आई जी साहब जिहड़े SSP साहब आए ने, जिहड़े CM साहब वालों MLA साहब इत्थे जिहड़े आए ने, जिहड़े मिनिस्टर आए ने, मैं उन्होंने बेनती करदा अज तो असी सारे इत्थे इकट्ठे होके आए हैं। मैं चाहुंदा कि सरकार ते पुलिस इन्हां कोल जावे, इन्हां दे पिंडां विच जावे ते जनता दरबार लावे ते इन्हां दी मुश्किलां सुने, ये साडा फर्ज है। वोटा लैण वेले आपां इन्हां कोल जांदे आ, वोटा लैण तो बाद आपां इन्हां कोल नहीं जांदे। मैं भी सियासी पार्टी तो जुड़दा, मैं भी सियासत लड़दा, पर अज लोड़ है तुहाडी इन्हां कोल जाण दी। सो मैं चाहवांगा कि मेरे तो बाद जिहड़े भी इत्थे बुलारे सरकार वल्लों बोलणगे वो इस गल की सहमति देन कि असी इन्हां दे विच जावांगे और इन्हां विच जाके इन्हां दी जिहड़ी प्रॉब्लम्स है उन्हों लवांगे, ताइयों इन्हां दे मुश्किलां जिहड़ियां वो हल होणगियां। और एक गल मैं होर कह देवां कि जिहड़ी गल मेरे तो पहलां इत्थे बुलारियां ने कही है कि आपां कदी ये गल जिंदगी च नहीं कहनी कि आपां माड़ी जी प्रॉब्लम आ गई है या कोई धक्का साडे नाल हो रहा तो आपां धर्म छड्डना है। आपां धर्म नहीं छड्ड सकदे, आपां साहिबजादां दी शहीदी नूं भुल गए हां, आपां किद्दां धर्म छड्ड सकदे हां। और मैं तुहानूं इक गल दस दवां, जिहड़ा बंदा अपने धर्म च पक्का नहीं उहदी फिर किथे भी थां नहीं मिलनी, जिहड़ा अपने प्यो दा सगा नहीं हो सकिया वह किसे दा सगा नहीं हो सकता। सो इस गल दा दोबारा तो कोई इहो जिही गल ना होवे, कोई भी तुहाडे मन च शंका है, कोई तुहाडे उत्ते जबर जबलब है, तुसीं सानूं आवाज़ मारो, पंजाब तुहाडे पिछे खड़ा। और एक गल समझ लैना, मैं हमेशा कहना हुंना पंजाब साडा पेका है, श्रोमणी कमेटी साडा पेका है, और जे पेके तगड़े होणगे ते बाहर कोई खंगेगा नहीं। और मैं इस गल दा तुहानूं विश्वास दवाउना कि जिहड़ी भी गल श्रोमणी अकाली दल थोड़े नाल बचन करेगी, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल ये साडा पेका है, जिथे भी तुसीं कभी भी आवाज़ मारोगे श्रोमणी अकाली दल तुहाडे नाल डट के खड़ा है और इस गल ते पहरा देगा। मैं तुहानूं एक गल दा वादा दिंदा दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी वालों भी और श्रोमणी अकाली दल वालों कि जद भी तुसीं जिथे आवाज़ मारोगे असीं उत्थे पहुँचांगे और साडे लायक जो भी इत्थे दे प्रबंधक सेवा लाउणगे सरदार मनजीत सिंह जी भाटिया जिहड़े बहुत ही सुचजे ढंग नाल इत्थे प्रबंध कर रहे हैं, उन्हां दी पूरी टीम नूं मैं वधाई दिंदा जिन्हां ने सानूं इत्थे आउण दा मौका दित्ता। इक्को गल कहिंदा कि आपां हथ खड़े करके मैं इक जकारा छड्डांगा और इस गल दा असीं प्रण करांगे
कि असी कभी सिक्खी छड़न की गल दोबारा नहीं करांगे। बोले सोम निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।